नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता भी हैं, केंद्र में कई पदों पर रह चुके हैं, कर्नाटक के गृहमंत्री रह चुके हैं। उनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीति में शुचिता का पालन करें और मर्यादित भाषा का उपयोग करें, ताकि जो कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे कुछ सीख सकें, उनकी जो नीतियाँ हैं उनका अनुसरण कर सकें। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी नफरत का जो इजहार किया है, उससे पूरा देश चकित है। सबको चिंता हो रही है कि ये मोहब्बत की कैसी दुकान है जहां पर सिर्फ नफरत का सामान है। इस मुद्दे को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तगड़ा निशाना साधा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया है। आइए देखते हैं प्रभा साक्षी की इस खास रिपोर्ट में कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि गृहमंत्री अमित शाह ने क्या प्रतिक्रिया दी है, और बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच जिस तरीके से वार प्रतिवार हो रहा है वो क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे। लोकतंत्र में किसी का विरोध तो जायज है, लेकिन जब यह विरोध नफरत का रूप ले ले तो इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। कहने को कांग्रेस नेता दावा करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत व्यक्त की जाती है, वह दर्शाती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द ही नहीं कहते, बल्कि कई बार उनके माता पिता पर भी अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस नेता मोदी तेरी कब्र खोदेगी जैसा नारा भी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ जब भी कांग्रेस नेताओं की ओर से अमर्यादित बयान आते हैं, तब तब सवाल उठता है कि कांग्रेस आलाकमान ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। लेकिन रविवार को जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया, उससे स्पष्ट हो गया कि जब पार्टी में शीर्ष स्तर पर ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, तो अन्य नेता भी उसी नीति का अनुसरण करेंगे ही। वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर राजनीति को निचले स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। हम आपको बता दें कि खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूँ, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटाएंगे, तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 ईयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे, तब तक मैं जिंदा ही रहूँगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। यहाँ सवाल उठता है कि क्या खड़गे के जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोदी को सत्ता से हटाना है? खड़गे जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं या मोदी विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? सवाल यह भी उठता है कि किसी को सत्ता से कोई विपक्षी नेता हटाएगा या जनता? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सही ही कहा है कि कटु तरीके से नफरत दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहकर अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बिना वजह घसीटा है कि मोदी को सत्ता हटाने से पहले नहीं मरेंगे। हम आपको बता दें कि अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में अत्यंत खराब और अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि खड़गे की टिप्पणी से पता चलता है कि कांग्रेस के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है, तथा वे लगातार उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। गृहमंत्री ने कहा, जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, तो मोदी जी, मैं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वह दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं, वह अनेक वर्षों तक जीवित रहें, वह 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होता देखने के लिए जीवित रहें। हम आपको यह भी बता दें कि खड़गे का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर उनका हाल जाना था। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं। देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा खड़गे जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस परिस्थिति में उनको माइक पे खड़ा किया गया था, हाथ पकड़ के, मैंने ऐसा लग रहा था कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको अध्यक्ष बना दिया है तो तुम्हारा वसूल करके रहेंगे, इस तरह से लोग पकड़े हुए थे। और उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी,
उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनके किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का नफरत तो दिख रहा है मोदी जी के प्रति। और ये नफरत का भाव कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है कि अब कांग्रेस जो लूट करती थी, जो करप्शन करती थी, अब उसका मौका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने वाली है, कांग्रेस को कोई दूर दूर तक पसंद करने वाला नहीं। देखिए, मैं जो हमारे गृहमंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृहमंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, समुदायों के बीच में क्या हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, पीड़ित हैं, 60,000 लोग, 70,000 लोग कैंपों में अभी रह रहे हैं, हिंसा आज भी जारी है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को हटाने की मांग हो रही है, पर प्रधानमंत्री चुप हैं, गृहमंत्री चुप हैं। तो उस पर बोलिए ना, क्या हो रहा है मेघालय में, क्या हो रहा है त्रिपुरा में, क्या हो रहा है नागालैंड में, क्या हो रहा है मणिपुर में, इस पर तो बोलिए आप। और जिस भाषा का इस्तेमाल हमारे गृहमंत्री करते हैं बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनके बारे में जो कहते हैं, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है बांग्लादेश में। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, पर इतनी बदनामी भाषा वो इस्तेमाल किया उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों के खिलाफ कि आज बांग्लादेश में हमें बहुत बड़ी समस्या है। लोग पूछते हैं बांग्लादेश में, भाई ठीक है हम चाहते हैं दोस्ती का हाथ हम फहरा रहे हैं, आपके गृहमंत्री देखिए क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लोगों के बारे में, शर्मनाक बातें करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।